हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग एंड आई एम इन जयपुर। हम लोगों ने सुबह 5 बजे दिल्ली से ट्रेन ली एंड ट्रेन ने आई थिंक 10:30 हम लोगों को जयपुर उतार दिया। एंड तो अभी प्लान ये है कि हम लोग सबसे पहले हवा महल जा रहे हैं और उसके सामने एक टैटू कैफ़े है, तो सबसे पहले हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से कुछ खाएंगे और वहाँ से अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ कैप्चर करेंगे। एंड उसके बाद हम सोचते हैं कि हम नेक्स्ट प्लान कहाँ का करें। तो अभी सबसे पहले हम लोग रेडी तो हो चुके हैं और नीचे जाके हम लोग कन्विंस देखते हैं कि यहाँ से वहाँ का क्या मिलता है। लिटरली यार, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। मतलब वहाँ से जब निकला था थोड़ा कोल्ड हो रहा था, लेकिन वो कोल्ड अब इतना ज़्यादा बढ़ चुका है ना, मतलब मुझे ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो पहले मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग मेडिसिन ले लेते हैं, देन फिर चलते हैं आगे। और भूख भी लग रही है, थोड़ा सा कुछ खाएंगे। मुझे मतलब ना बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के लिए व्लॉग बना रहा हूँ। आप लोग यहाँ रुक सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा डिटेल्स होटल की। यहाँ से सब कुछ नियर बाय है और अभी हम लोग वॉकिंग डिस्टेंस पे ही बाहर जैसे जाएंगे तो रोड आ जाएगी, एंड रोड पे ही हम लोगों को टैक्सी, ऑटो एंड ई रिक्शाज मिल जाएंगे। जयपुर मैं काफ़ी टाइम से आया भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि हम लोग जयपुर चलते हैं और थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं जयपुर को, क्योंकि ब्लॉग भी काफ़ी टाइम से लेट हो रहा था, तो मैं नहीं चाहता था कि काफ़ी लेट हो। तो अब ये ब्लॉग जो है बहुत जल्दी आ जाएगा और काफ़ी अच्छा ब्लॉग होने वाला है ये वाला, तो इस ब्लॉग को पूरा देखना और बीच में मत छोड़ना और सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलती है और जल्दी जल्दी ब्लॉग्स आएंगे अगर आप सब्सक्राइब करते हो और लाइक करते हो इस ब्लॉग को। तो अभी हम चल रहे हैं हवा महल। हियर इट इज़ हवा महल एंड जस्ट सामने है टैटू कैफ़े और विंड व्यू कैफ़े, जहाँ से लोग अपना मतलब खा के और फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। पीछे हवा महल दिखता है प्रॉपर अच्छे से, तो हम लोग के तो ऐसे भी दिखेगा, लेकिन वहाँ पे क्या है पूरा प्रॉपर अच्छे तरीके से दिखेगा अगर लास्ट आपने मेरी वीडियो वहाँ पे देखी हो तो। संगमित्रा चाहती थी कि हम ऊपर जाएं, तो अभी शायद हम जाने वाले हैं ऊपर। बाकी ये अपना यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कर रही है एंड मेरा तो व्यू यहाँ से भी बहुत अच्छा आ रहा है। बाकी यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है और हमें वहाँ से होटल से यहाँ आने में अराउंड 25 मिनट्स लग गए, क्योंकि जाम इतना ज़्यादा था। तो यार मतलब ट्रैफिक आज बहुत ज़्यादा है, रश बहुत ज़्यादा है। तो वी आर गोइंग टैटू कैफ़े और विंड कैफ़े, दोनों में से जो अच्छा लगेगा वहाँ चले जाएंगे। हवा महल के जस्ट सामने से एंट्री है एंड आप वहाँ से एंट्री ले सकते हैं और ये कुछ इस टाइप की आपको एंट्री मिलेगी। तो हम हैं विंड कैफ़े पे, टैटू कैफ़े पे हम लोग नहीं गए हैं, क्योंकि टैटू कैफ़े पे 250 पर पर्सन का ऑर्डर मिनिमम है एंड विंड कैफ़े पे ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग विंड कैफ़े पे आ गए हैं क्योंकि मुझे विंड कैफ़े थोड़ा रीज़नेबल लग रहा है एंड फ़ोटो दोनों साइड से सेम ही आनी है ऑलमोस्ट यार, तो वहाँ क्यों ही जाना है, क्योंकि यहाँ पे लोग मोस्टली फ़ोटो खिंचवाने ही आते हैं, खाना किसी को होता नहीं है, जस्ट लेना पड़ता है क्योंकि मजबूरी है, फ़ोटो चाहिए तो भाई लेना पड़ेगा। बाकी फ़ोटो तो यहाँ से भी बढ़िया आती है, सी पूरा व्यू है, लेकिन दे हैव अ ह्यूज प्राइस ऑफ मेन्यू, तो हर चीज़ ओवर प्राइज्ड है। जस्ट अगर आपको पिक्चर लेनी है तो आप आ जाओ, एल्स यहाँ से आई एम नॉट सजेस्टिंग यू कि आप यहाँ आओ और यहाँ से खाओ, बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा। आप कहीं भी जा सकते हो ये दो कैफ़ेज़ को छोड़ के, अगर आप पर्पज़ आपका अगर खाने का है, बट मोस्टली यहाँ पे लोग फ़ोटोज़ के लिए आते हैं, तो आप फ़ोटोज़ लेना चाहते हैं तो आप सस्ता सा कुछ भी ऑर्डर कर लो। लाइक वी ऑर्डर लस्सी एंड मेरे लिए एक चाय, तो हमारा 100 की लस्सी एंड 80 रुपीज़ की चाय, तो 180 में हमारा दोनों का काम हो गया। दे हैव अ मिनिमम ऑर्डर ऑफ 100 रुपीज़ फॉर पर पर्सन एंड यहाँ से जो व्यू है वो बहुत फैंटेस्टिक है। मैं पहले आ चुका हूँ यहाँ पे
तो यहाँ से आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पूरा जयपुर भी दिखता है और पहाड़ भी दिख रहे हैं जयपुर के, तो व्यू तो बहुत ही फैंटास्टिक है। आई लाइक इट कि यहाँ पे भी ये लस्सी और कॉफ़ी पी के, चाय पी के हम चलेंगे नीचे और यहाँ पे फोटो सेशन कर लेते हैं जल्दी से। जरा सो टेडो हो जबाल मारो बल्लो लटे बल्लो लटे। सो नाउ वी आर गेटिंग एंट्री इन द हवा महल। ये हवा महल की एंट्रेंस है, तो यहाँ से सीधा हवा महल के अंदर आप एंटर कर लेते हैं। अंदर जाने के बाद ये आप बैक साइड पे आते हैं जहाँ से इसकी एंट्री होती है, और आप भीड़ देख सकते हैं कितनी सारी भीड़ हो रही है यहाँ। बाकी हवा महल के अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, खिड़कियाँ ही खिड़कियाँ होती है। मतलब उस टाइम पे जो आर्किटेक्ट था इस टाइप का बनाया गया था, उनको मेरे को लगता है गर्मी ज़्यादा लगती थी। रानियों के लिए बनाया था, मतलब हर रानी अपने अपने खिड़की से देख रहे, मतलब समझ रहे हो। अबे साले बहन आए एक दूसरे से मिले ना, अपने अपनी खिड़की से देखें राजा को जब सामने से जाएगी इसकी गाड़ी। सो जयपुर में आके अगर दही बड़े नहीं खाए और दही बल्ले जिसको बोलते हैं वो नहीं खाए तो क्या खाया। ये हैं दही बड़े अंकल के स्पेशल, जो हवा महल के बिल्कुल बोर्ड के साइड में ही खड़े होते हैं, और दही बड़े गणेश जी के मंदिर के साइड। एक पत्ता 30 रुपये का, 30 रुपीज़ की प्लेट है, बहुत ही यमी है। अगर मैं आपको खा के दिखाऊं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो आओ अगर यहाँ पे तो इसको टेस्ट ज़रूर कर देना यार। तो ये है सारी मार्केट जो हवा महल के पास में जस्ट लगती है, एंड यहाँ पे आपको लेदराइज जो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये सारी लेदराइज जो चीज़ें हैं यहाँ पे, बैग्स, सैंडल्स, चप्पल्स, मोस्टली तो यहाँ मुझे बैग ही दिख रहे हैं लेदराइट, पता नहीं ये ओरिजिनल है या नहीं है। हवा महल हो गया एंड हम लोग नाहरगढ़ के लिए देख रहे थे कि अब हम नाहरगढ़ यहाँ से कैसे जाएं, क्योंकि नाहरगढ़ में एक तो अभी के टाइम पे बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आएंगी एंड लाइटनिंग शो होता है रात को 7 से 9, तो वो देखना बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल दिखता है रात को। तो उससे पहले अभी हम रास्ते में बहुत ही फेमस जो है स्पेशल प्याज की कचौड़ी यहाँ की बहुत फेमस है। हाँ, लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मैं यहाँ जॉस्टल में रुका था, तो वहाँ से बाहर निकलते ही ना दो प्याज की कचौड़ी वाला और ये लड्डू वाले बहुत हैं यहाँ पे, तो इन दो तीन हैं इनकी बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो ये खाने का भी बड़ा मन कर रहा है, ये टेस्ट तो ज़रूर करना बनता है। तो यहाँ हमने लक्ष्मी जो करके है इनसे लिया, एंड यहाँ की प्याज कचौड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, लुक लाइक दिस एंड शी वॉन्ट्स टू टेस्ट दिस। मैंने तो खाई हुई है पहले, बट इसने आई थिंक तूने नहीं खाई थी। मैंने तो जब मैं आया था लास्ट टाइम तो मैंने तो भर के खाई थी, रोज़ सुबह 2 पेली थी और रात को जाते हुए 2 पेली थी, तो मुझे तो बड़ी टेस्टी लगी थी। और इनका एक मिर्च का पकौड़ा आता बड़ा सा, वो भी बहुत टेस्टी होता है। ये खा के हम सीधा हम सोच रहे हैं इसके बाद चलेंगे जल महल, देन फिर चलेंगे नाहरगढ़ फोर्ट। तो ये खा लेते हैं फिर चलते हैं। तो लक्ष्मी भंडार के यहाँ से खाने के बाद हम लोग जा रहे थे जल महल, एंड हमें ये बस मिल गई और हम बस में बैठ गए। 10-10 रुपये टिकट है, सस्ते का आम सस्ते। और इन्होंने हमें कुछ दिया, जल्दी आओ। और हमें कुछ मिल भी नहीं रहा था, मतलब ऑटो वाले ज़्यादा पैसे मांग रहे थे, तो हमने बस वाले से पूछा उसने बता दिया। तो प्लान में थोड़ा सा चेंज है, हम लोग जल महल नहीं गए और रास्ते में हमें दो लोग मिल गए जिनसे हमारी फ्रेंडशिप हो गई, इवन संग मित्र की फ्रेंडशिप हो गई,
तो हम लोग क्या कहते हैं अमेर फोर्ट आ गए हैं। तो अमेर फोर्ट थोड़ा ज़्यादा मुझे ब्यूटीफुल लग रहा है ज़्यादा उससे। तो यहाँ पे जो व्यू है बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक है, आपने क्लिप्स देख ही लिए होंगे। तेरी आइसक्रीम तो गई डाला। सो जब आप अमेर फोर्ट आएंगे तो नीचे से तो व्यू मैंने आपको दिखाया कैसा दिखेगा, और ऊपर से जैसे ही आप सीढ़ी थोड़ी सी चलती रहेंगे यहाँ से ये व्यू आता है। ये इसके स्टेयर्स हैं और आराम से चढ़ सकते हैं, स्टेयर्स में भी कोई इशू नहीं है। मतलब यहाँ मैं कभी नहीं आया, यहाँ मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ तो मुझे ठीक लग रहा है। हाँ, आप देख सकते हैं कारीगरी अमेर फोर्ट की, बड़ा ब्यूटीफुल यार। और यहाँ पे आप व्यू देखेंगे, पूरा ग्रीनरी है ये पूरा। बड़ा ब्यूटीफुल यार, मतलब आप देख सकते हैं ये सारा कांच का बना हुआ है, मतलब इसको शीश महल बोलते हैं। तो ये अमेर फोर्ट का शीश महल है, दीवाने खास, दीवाने खास भी इसको बोलते हैं। तो मतलब यार ये देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल है, कैमरे में मुझे नहीं पता ये कैसा लग रहा है, लेकिन ये रियल लाइफ में देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल है यार, थम्स अप फॉर इट। सो यहाँ पे ऊपर जाने का एक रास्ता है, इसमें से ये कुछ इस टाइप का है और ये कुछ इस टाइप की है, ब्लैक होती जा रही है, ऊपर ही मिलता है आपसे। तो ये हम आ गए अमेर फोर्ट के ऊपर एंड ये कुछ व्यू इस टाइप का है। एंड नीचे मैंने आपको दिखाया शीश महल जो पूरा कांच का बना था, और यहाँ पे लाइटिंग जलनी स्टार्ट हो चुकी है। एंड ये गार्डन ऊपर से कुछ इस टाइप का दिखता है, एंड दिस इज शीश महल। तो ये देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल है, आई डोंट थिंक कि कैमरे में इतना ब्यूटीफुल आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये रियल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो या अगर आप जयपुर आ रहे हैं तो यू नीड टू मस्ट विजिट अमेर फोर्ट, यहाँ पे आप ज़रूर आना। अगर आप दिन में आएंगे ना तो यहाँ बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ आने वाली हैं आपकी। और यहाँ पे कुछ इस टाइप का है, इसमें कुछ देखने का लगा हुआ है। यहाँ से भैया क्या दिखता है, यहाँ से ईगल फोर्ट दिखाया जाता है। ईगल फोर्ट, इधर आइए मैं बताता हूँ। जैगल फोर्ड, मैं पता नहीं कौन सा ईगल फोर्ड है। तो यहाँ पे लाइटिंग जल चुकी है, और ये लाइटिंग में आप देख सकते हैं कि मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ। और यहाँ पे जो पिक्चर्स हैं कुछ इस टाइप की दिखेंगी, ये है विंडो, एंड विंडो में आप ऐसे देख सकते हो, यहाँ से जो पूरा व्यू दिख रहा है ना ये कुछ इस टाइप का दिख रहा है। तो ये मेरी आइज से तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, एंड ये कुछ फोटो इस साइड की। तो रात का अमेर फोर्ट का सीन कुछ ऐसा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पॉट्स लाइट्स ऑन हो चुकी हैं, और ये रात को कुछ इस तरीके से दिखता है। भाई ये देखने में तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, अगर पर आप दिन में आएंगे तो यहाँ पे फ़ोटोज़ बहुत अच्छे आने वाली हैं, और रात में अगर आपके पास बहुत ही अच्छा फ़ोन है और या फिर कैमरा है तो और भी अच्छी आने वाली है। लाल पीली अखियां जद देखू बन की, लाल पीली अखियां में नहीं। तो जो अमेर फोर्ट की एंट्री है वो ये है, और रात को ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं। यहाँ से हम लोग नीचे उतर रहे हैं। आप इसको बस में तोता मिल गया। ये बोलता भी है? तो ये है बड़ी चौपर मेट्रो स्टेशन जयपुर का। तो जो मेट्रो है वो लुक लाइक्स दिल्ली वन, तो दिल्ली की तरह ही है और स्ट्रक्चर पूरा दिल्ली की तरह है। बाकी मेट्रो आएगी तो वो देखते हैं कि वो भी बिल्कुल दिल्ली की तरह है या फिर कैसे कुछ यूनिक है। तो जयपुर की मेट्रो में हम लोग आए, और सेम टू सेम मेट्रो है, दिल्ली की कॉपी कर ली इन्होंने, इवन इन्होंने नाम भी चुरा लिए हैं दिल्ली के, मानसरोवर, विवेक विहार,
सिविल लाइन, हाँ सारे ही चुरा लिए हैं, कुछ नाम इन्होंने अलग भी रखे हैं, बड़ी कुछ चौपड़, बड़ी चौपड़ छोटी चौपड़ बड़ी चौपड़, और ये एक हमारी फेवरेट आंटी और ये आंटी की बेटी, बट आंटी हमारी ज़्यादा फेवरेट है, अब हम आंटी से मिलने पंजाब जाने वाले हैं। नहीं आंटी सच में बहुत स्वीट है। इतना सारा घूमने के बाद हम पहुंचे रात को खाना खाने जय शंकर पवित्र भोजनालय। वहां पे हमने ये फर्स्ट क्लास थाली ऑर्डर की जिसका टेस्ट मुझे एवरेज लगा, और फिर उसके बाद जाके हम बहुत ज़्यादा थक गए थे तो हम जाके सो गए। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे फिर एक नए व्लॉग में, तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और टाटा बाय बाय।